सहयोगी निर्मल हमारे साथ जुड़ गए हैं, निर्मल से जानते हैं। निर्मल, उषा शर्मा का मुख्य सचिव बनना और इसके बाद महिला अफसर जो हैं उनमें उत्साह का माहौल, ये कैसे आप देखते हैं कि जब महिला ब्यूरोक्रेट हमें मिलेगी, मुख्य सचिव या मुखिया मिलेगी, तो कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा? दूसरी चीफ सेक्रेटरी अगर बनी है महिला तो उषा शर्मा है कुशल सिंह जी के बाद, और उषा शर्मा जी का बड़ा जबरदस्त योगदान रहा है राजस्थान में, क्योंकि इन्होंने जब अलवर एसडीएम से जब इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद अलवर कलेक्टर भी होती है और प्रशासक भी होती है नगर परिषद अलवर की, उसके बाद बूंदी कलेक्टर, जेडीसी जयपुर, तमाम जो एक लंबा, उसके बाद उन्होंने पर्यटन का मोर्चे पर आई, और जब पर्यटन के मोर्चे पर आई तो राजस्थान में करीब 10 साल उन्होंने पर्यटन को दिए। और जो मैं आपको बता दूं, मावठा जो आमेर का सूख गया था उससे बीसलपुर से पानी ला करके मावठों के भरने की जो योजना थी वो उषा शर्मा की थी। जब ये सेंटर में जाती है और जब ये डायरेक्टर जनरल रहती है एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने जितने भी मॉन्यूमेंट है राजस्थान में, खासकर 164 मॉन्यूमेंट है एएसआई के, उसमें भानगढ़ जैसे मॉन्यूमेंट भी है, चित्तौड़ का किला, हिल फोर्ट्स जो योजना थी जिनको 6 हिल फोर्ट्स को राजस्थान के को जो विश्व विरासत का दर्जा मिला था वो उषा शर्मा के प्रयासों से मिला था जब वो यहाँ पर पर्यटन विभाग उन्होंने संभाल रखा था, और तमाम उन्होंने जो प्रस्ताव भेजे, डेजर्ट सर्किट बना तो उन्होंने किया, फिर कोणार्क मंदिर की बात है उसके जीर्णोद्धार की बात है उषा शर्मा ने किया। उसके अलावा अगर हम सीधे तौर पर जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो वहां जो नाता मंडप का निर्माण होना था जीर्णोद्धार, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वो उषा शर्मा ने निभाई। तो उषा शर्मा का जो योगदान रहा राजस्थान में, चाहे वो दिल्ली रही हो, उन्होंने 9-10 साल दिल्ली गुजारे हो, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान के प्रति जो उनका लगाव था, यहाँ की योजनाओं का, यहाँ के सर्किट्स का विकास, यहाँ के पर्यटन उत्पादों को देश दुनिया के सामने ले जाना, उसमें उषा शर्मा का बहुत ही अहम योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब जब वो मुख्य सचिव बनी है तो आने वाला जो 1.5 साल है, क्योंकि उनको जून 2023 तक का उनका जो कार्यकाल है वो रहना है, तो इस दौर में राजस्थान को इस तरह की बहुत सारी योजनाएं देखने को मिलेंगी, चाहे वो पर्यटन से जुड़ी हो, चाहे उद्योग से जुड़ी हो, तमाम सेक्टर से, क्योंकि एक बहुत ही डायनामिक उनका जो काम करने की जो कार्यशैली रही है बहुत डायनामिक रही है, अफसरों के साथ मिलजुल कर एक टीम भावना के साथ काम करना। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उषा शर्मा जी अब चीफ सेक्रेटरी बनी है तो राजस्थान में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी जी। निर्मल, और देखिए क्योंकि उषा शर्मा जब पहुंच रही है, अब आने वाले सालों में चुनाव भी है राजस्थान में, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि आम जनता जो है, जो उस स्तर तक योजनाएं पहुंचे, जो योजनाएं जो है सरकार की तरफ से लागू की जा रही है, वो योजनाएं और उनके बारे में जागरूकता आम जनता तक पहुंचे, तो उसके लिए अब कितना उनको चुनौतियां होंगी, कितना काम करना होगा? एक महिला ही समझ सकती है कि उसको किस तरह से न केवल घर चलाना है उसके अलावा प्रशासन को चलाना है, क्योंकि उनमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, और इनके इनकी तो कह सकते हैं कि इनके पास तो एक वो एक्स फैक्टर भी है। देखिए अभी इनकी जो झलक है ना, आपको राजस्थान का जो आने वाला बजट है उसमें भी दिख जाएगी, क्योंकि अब उषा शर्मा ने कमाल संभाली है, तो वो इन विभिन्न सेक्टरों में उन्होंने काम किया, चाहे युवा मामला हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे पुरातत्व हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एनवायरमेंट हो, तमाम सेक्टर्स में काम किया, जेडीसी रहते हुए उन्होंने जबरदस्त यहाँ पर काम किया था। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो राज्य का बजट है उसमें भी उनकी झलक देखने को मिलेगी, और यही नहीं, महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो उषा शर्मा के आने के बाद महिला सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। जितने भी तमाम जो योजनाएं सामने आ रही है उसका माइक्रो लेवल पे किस तरह से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जो स्किल्स हैं वो बहुत जबरदस्त रहे, किसी भी विभाग में उन्होंने काम किया है, तो वो माइक्रो लेवल से लेकर जो टॉप लेवल तक के जो तमाम जो योजनाएं होती है उनको किस तरह से उनको मॉनिटर करना है, किस तरह से उनका प्रचार प्रसार हो, तो निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है। और चूंकि अब राजस्थान में जो चुनाव आने वाले जो चुनाव भी हैं 2 वर्ष 2.5 वर्ष बाद जो चुनाव होंगे, तो निश्चित तौर पर इनके पास एक महत्व जिम्मेदारी होगी कि सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर देखते हुए, उनकी मॉनिटरिंग करते हुए जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, आने वाला जो बजट है उसमें भी इसकी झलक देखने को मिलेगी, जन विकास के जो मुद्दे हैं उनको प्रभावी तरीके से उस बजट के अंदर उन योजनाओं को सामने लाया जाए। और निश्चित तौर पर देखिए आज तो वो पद संभालेंगी, पद संभालने के बाद आप उनकी कार्यशैली देखिए वो किस तरह से टीम भावना के साथ काम करती है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक नया ऑरा विकसित होने वाला है राजस्थान की नौकरशाही में, और उषा शर्मा के नेतृत्व में निश्चित तौर पर सरकारी योजनाएं उनको भी बल मिलेगा, नई योजनाएं भी सामने आएंगी, बजट में भी उनकी झलक मिलेगी और विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। निर्मल, क्योंकि देखिए पर्यटन विभाग के सचिव रह चुकी है, उसमें बहुत सारे काम किए, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी ऐसे देश में या विदेश में नाम उन्होंने ख्याति दिलवाई है, ऐसे में जो अफसर जिन्होंने राजस्थान में उनके साथ काम किया होगा, पर्यटन विभाग में काम किया होगा, उनसे अगर आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कैसे बताया कि किस तरह की कार्यशैली हमेशा रही है उषा शर्मा के काम करने की? देखिए मेगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज ही एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने करीब 1 महीने पहले इस बात के संकेत दे दिए थे कि जो महिला आईएएस अधिकारी हैं उषा शर्मा, उनके पास राजस्थान की नौकरशाही का नेतृत्व उनके पास जा सकता है, कमान उनके पास जा सकती है। तो इस मामले में तो हम शुरू से इस बात को कहते रहे कि उषा शर्मा से बेहतर विकल्प इस समय राजस्थान सरकार के पास कोई था भी नहीं। उषा शर्मा के आने से एक फायदा और हुआ है, क्योंकि उषा शर्मा इस समय टॉप लेवल की अधिकारी हैं और
उनके आने से जो सचिवालय में बाहर जाने का रहता है परंपरा रही है कि जो सीनियर आईएएस अगर उनके ऊपर जो होते हैं उनको सचिवालय से बाहर जाया जाता है, तो ऐसी नौबत भी नहीं है, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो उनके ऊपर जो सचिवालय में बैठा हो तो उसको भी बाहर जाना पड़े, तो ऐसी भी स्थिति नहीं है। तो निश्चित तौर पर उषा शर्मा जब आई है तो योजनाओं को पंख लगेंगे, योजनाओं की गति बढ़ेगी। और देखिए सबसे बड़ी बात, उन्होंने राजस्थान में रहते हुए, मैं जब कह रहा हूँ आप, मैंने पहले भी जैसा बताया कि उनके पास कलेक्टर का अनुभव है कि कैसे दो जिलों में वो कलेक्टर रही है अलवर और बूंदी के अंदर, वो प्रशासक रही है नगर परिषद, उनको पता है, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रही है, युवा मामला और खेल विभाग के अंदर हो रही हैं, वो पर्यटन विभाग के पास, उनका पास एक लंबा अनुभव रहा है, तो निश्चित तौर पर उनका जो ये व्यापक अनुभव है अब देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके आंचल में ऐसी बहुत सारी योजनाएं, ऐसे बहुत सारे कौशल हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाओं को सामने लाया जा सकता है जब उषा शर्मा की उसमें झलक देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए एक बड़ा दिन कहा जा सकता है इस मायने में भी कि उषा शर्मा जो एक महिला आईएएस के तौर पर मात्र ऐसी दूसरी महिला आईएएस ऑफिसर है राजस्थान में कुशल सिंह के बाद जिनको मुख्य सचिव बनाया गया, तो अब जब मुख्य सचिव बनी है तो लगातार अधिकारियों से हमारी, उनके जो समानांतर बैच के अधिकारी थे, जो जूनियर थे जिन्होंने उनके साथ काम किया, उन सब में उत्साह का माहौल था, सब इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि हाँ उषा शर्मा जी एक बार वापस लौटेंगी तो निश्चित तौर पर जो पुरानी कुछ योजनाएं थी वो भी धरातल पर आएंगी और नई योजनाओं में भी उनकी झलक देखने को मिलेगी। तो अधिकारियों में एक उत्साह का माहौल है और जिस तरह से जिस टीम भावना के साथ वो काम करती है, जो उनकी कार्यशैली है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक नया ऑरा देखने को मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम करने की जो गति है उसकी नई ऊर्जा देखने को मिलेगी और निश्चित तौर पर इनकी झलक से आने वाले जितना भी जो समय है, जो डेढ़ साल इनके पास जो वक्त रहा है इनके पास, उसमें एक नौकरशाही का आपको नया चेहरा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अब जब उषा शर्मा बनेंगी सीएस यानी कि मुख्य सचिव, मुखिया ब्यूरोक्रेट की, तो बहुत सारी योजनाओं को वो क्रियान्वयन भी करेंगी, यानी कि उन जो योजनाएं चल रही हैं उनको कैसे धरातल पर उतारा जाए, कितना जागरूक लोगों को किया जाए, क्योंकि अब जो चुनौतियां होंगी वो आने वाले चुनाव के लिए होंगी, विधानसभा चुनाव के लिए, वो उस समय के लिए उषा शर्मा जो हैं वो मुख्य सचिव बन रही हैं, तो ऐसे में बहुत सारी जिम्मेदारियां लेके वो पहुंच रही हैं। उषा शर्मा जो कि पूर्व आईएएस बीएन शर्मा की पत्नी हैं और अब मुख्य सचिव बनकर राजस्थान में एक बार फिर से लौट रही हैं, उनका कार्यकाल की बात करें, उन्होंने कितना कितना काम किया है आईएएस के तौर पर, आइकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वो डीजी रह चुकी हैं, इसके अलावा केंद्रीय एआरडी में अतिरिक्त सचिव का संभाल चुकी हैं काम, यानी कि बहुत सारे विभाग जो हैं उन्होंने उसमें काम किया है, पर्यटन मंत्रालय में एडीजी पद पर रह चुकी हैं उषा शर्मा, पर्यटन विभाग भी उन्होंने देखा, पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव भी वो रही हैं, और जब वो रही उस पद पर तो उन्होंने बहुत सारे काम भी किए, यूडीएच सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव, पर्यटन सचिव, यानी कि अलग अलग विभाग उन्होंने देखे हैं और हर विभाग पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया है, चाहे वो युवाओं के लिए काम हो, चाहे वो महिलाओं के लिए काम हो, और चाहे वो कलेक्टर के तौर पर काम हो, क्योंकि बूंदी की वो कलेक्टर रही थी और ऐसे समय में बूंदी में भी उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए थे, और अब जब वो मुख्य सचिव बन जाएंगी, सीएस बनेंगी, तो वो जो धाराएं चल रही हैं या जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें धरातल पर उतारने का काम पूरी तरीके से करेंगी। तो आपको बता दें 9.5 वर्ष बाद एक बार फिर से शर्मा लौट रही हैं, क्योंकि गहलोत के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहले भी वो काम कर चुकी हैं और उनको सचिव भी बनाया गया था, जिस विभाग में वो रही उन सभी विभाग में उन्होंने बेहतरीन कार्य किया और उसको आगे ले जाने का कार्य किया, क्योंकि पर्यटन, अगर राजस्थान की बात करें तो वो राजस्थान में पर्यटन बहुत बेहतरीन है, अगर उसको आप बेहतरीन तरीके से उतारेंगे या बेहतरीन तरीके से काम करेंगे तो राजस्थान में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, और उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए उषा शर्मा ने यहाँ पर काम किया और पर्यटन को आगे ले जाने की कोशिश की और एक बार फिर से नई इबारत लिखने की कोशिश की जाएगी उषा शर्मा की तरफ से, क्योंकि देखिए अभी अगर हम निरंजन आर्य को देखें, उन्होंने कई ऐसी चीज़ें की, कई उन्होंने बताया भी कि किस तरह से वो काम करते थे, उनकी कार्यशैली क्या हुआ करती थी, और अभी तक जो उन्होंने काम किया है वो उसके लिए बहुत खुश हैं कि उनकी कार्यशैली जो है उससे लोग भी खुश रहते थे। एक चीज़ जो निरंजन आर्य की तरफ देखने को मिली वो ये थी कि वो जिले गए, वहाँ पर लोगों से बात की। निर्मल, क्योंकि देखिए अब उषा शर्मा जब इस पद पर बैठेंगी यानी कि मुख्य सचिव बनेंगी, अगर हम पहले मुख्य सचिव की बात करें जो निरंजन आर्य हैं, उनकी कार्यशैली, वो एसी रूम में नहीं बैठते थे, वो जिलों में जाते थे, वहाँ पर देखते थे किस तरह का कार्य हो रहा है, तो क्या ये अपेक्षाएँ जो हैं, आशाएँ, उम्मीदें जो हैं वो उषा शर्मा से भी की जाएंगी? देखिए मेगा, उषा शर्मा जी से बात करने के पहले अगर अपन निरंजन आर्य साहब की बात करें तो जमीनी स्तर के अधिकारी थे, उनमें ऐसा उनका बिल्कुल ऑरा नहीं था कि मुख्य सचिव हैं वो राज्य के, नौकरशाही के प्रमुख हैं, क्योंकि वो बहुत जमीन से जुड़े हुए थे, लगातार छोटे छोटे लेवल पर संवाद करना और फिर उसको बड़े स्तर पर ले जाकर कि किस तरह से इंप्लीमेंट करना, ये निरंजन आर्य साहब की खूबी थी। अब अच्छी बात यह कि इनकी इसी खूबी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उनको अपने सलाहकार जैसी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। रही बात उषा शर्मा की, तो उषा शर्मा जी का देखिए राजस्थान से बहुत पुराना नाता रहा है,
उनके पति जो थे यहाँ आईएएस अधिकारी थे, रिटायर्ड हो गए। और उसके बाद उषा शर्मा जी जब 1989 में जब सबसे पहले एसडीएम बनी अलवर की, तो उसी अलवर की वो, उसके बाद उनको अलवर नगर परिषद का प्रशासक भी बनाया गया, अलवर की वो जिला कलेक्टर भी रही, उसके बाद बूंदी कलेक्टर रही। और देखिए उनके व्यापक अनुभव की बात करें सीधे तौर पर मेगा, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, वो उद्योग विभाग में रही, वो जयपुर की जेडीसी रही। जब वो जयपुर जेडीसी थी, हालांकि कार्यकाल उनका बड़ा छोटा सा था, लेकिन जब जितना भी कार्यकाल था, क्योंकि उस समय सरकार बदलने का दौर था, 2003 में जब उनको जेडीसी बनाया, उनके कुछ समय बाद ही सूबे के अंदर सरकार बदल जाती है, कांग्रेस से बीजेपी की सरकार आती है, वसुंधरा राजे काबिज हो जाती है। उसके बाद वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रही। देखिए सहकारी रजिस्ट्रार के तौर पर भी उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा, 2 साल वो करीब रजिस्ट्रार रही। उस दौर में भी उन्होंने देखा कि किस तरह से खेती किसानी क्या होती है, और वहीं से ये देखने को मिला था कि प्रदेश के अंदर उससे पहले स्थिति होती थी कि किसानों को जो ब्याज मुक्त जो फसली ऋण दिया जाता था उसका आकार 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपये था, लेकिन जब उषा शर्मा रजिस्ट्रार बनी तो उन्हीं ने इस तरह का एक प्रस्ताव रखा कि इसके आकार को बढ़ाया जाए, क्योंकि किसानों को सूदखोर या महाजन के पास जाना पड़ता जो उनसे बहुत मोटी रकम ऐंठता था। तो जो इसका आकार बढ़ा, जो सीधे 7 हज़ार 8 हज़ार करोड़ से सीधे 12-13 हज़ार करोड़ रुपए गया, तो उसमें उषा शर्मा का बड़ा योगदान था। उसके बाद अगर सीधे तौर पर बात करें तो नगरीय विकास जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके पास रहा, उसमें भी 2 साल वो नगरीय विकास सचिव रही, नगरीय विकास और आवासन। तो उनको किस तरह से किसी भी सिटी को प्लान करना है, किस तरह से हाउसिंग की स्कीम्स को लेकर आना है, उनका उनको व्यापक अनुभव रहा। उसके बाद वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने वक्त गुजारा राजस्थान के अंदर, खासकर 6 से 6-7 साल ऐसे थे जब वो पर्यटन विभाग के अंदर रही, उनको पर्यटन विभाग का आयुक्त बनाया जाता है, उसके बाद वो प्रमुख सचिव भी पर्यटन विभाग तक उसी डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं। मुझे अभी तक याद है जब मावठा सूख गया था, चारों तरफ ये हो रहा था कि आमेर जैसी विश्व विरासत है उसमें मावठा जो सबसे बड़ा आकर्षण था, उन्होंने ही प्लान बनाया कि क्यों नहीं बीसलपुर का पानी मावठे में लाया जाए, मावठे को भरा जाए, इसमें बोटिंग शुरू किया जाए और जो आमेर का जो आकर्षण है वो जो वैभव है बरकरार रहे। हिल फोर्ट्स, देखिए सबसे बड़ी हमारा अगर उषा शर्मा का कोई योगदान रहा राजस्थान के अंदर, तो वो ये भी था कि उनके कार्यकाल में जब वो प्रमुख सचिव थी पर्यटन विभाग की, तो जो राजस्थान की जो 6 विश्व विरासत में शुमार जो 6 हिल फोर्ट्स हैं जिसमें आमेर भी शामिल है, कुंभलगढ़, चित्तौड़, वो सब उषा शर्मा की देन है। उन्होंने ही प्रपोजल बनाया था यूनेस्को के, उन्होंने प्रपोजल भेजा और यूनेस्को ने उनके प्रपोजल के ऊपर जो उन्होंने उसके ऊपर ग्राउंड वर्क किया था उसको माना, और उसे हिल फोर्ट्स जो है राजस्थान के विश्व विरासत में शुमार हुए। डेजर्ट सर्किट की बात थी तो उषा शर्मा की योगदान रही, किस तरह से डेजर्ट सर्किट बनाया जाए, एडवेंचर टूरिज्म को सम के दौरों तक ले जाए, सम मैं खुड़ी मैं जो भी जो धोरे थे उनको पर्यटकों को वहां तक कैसे ले जाया जाए, तो निश्चित तौर पर बड़ा योगदान था। और उसके बाद जब वो दिल्ली जाती हैं और एडीजी रहती हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट की तमाम जो योजनाएं थी राजस्थान से, खासकर जितने भी प्रस्ताव जाते थे वो हाथों हाथ मंजूर होते थे, क्योंकि उषा शर्मा ये जानती थी कि राजस्थान के पर्यटन उत्पादों की स्थिति क्या है, वो अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है, यहां का एक एक उत्पाद विश्व के अंदर जितने भी जो पर्यटन के जो शौकीन लोग हैं उनके दिमाग में छाया हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक अग्रेसिव मार्केटिंग का अगर कोई प्लान लेके आया था तो उषा शर्मा लेके आई थी। उसके बाद जब वो डीजी रहती हैं, महानिदेशक रहती हैं पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है एएसआई के अंदर, तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, खासकर राजस्थान में जो 164 मॉन्यूमेंट हैं एएसआई के, उन मॉन्यूमेंट्स में किस तरह की सुविधाओं का विकास हो, क्योंकि उससे पहले सब जर्जर अवस्था में थे, जैसे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उसमें ज्यादा पर्यटक पहुंचते नहीं थे। ये प्लान लेकर के आती हैं, वहां 4 दीवारी कराई जाती है, वहां लॉन लगाई जाती है, और वहां जितने भी संरक्षण के कार्य हैं वो उषा शर्मा की देन है। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर का नाता मंडप हो, उसके जीर्णोद्धार की बड़ी चुनौती थी, इन्होंने किया। कोणार्क मंदिर की अगर बात करें, उसके जीर्णोद्धार की बात थी, तो उषा शर्मा ने किया। और अब खेल एवं युवा मामला विभाग में रहते हुए भी आपका योगदान बड़ा अहम रहा है, खासकर खिलाड़ियों को किस तरह से आगे लेके आया जाएगा, पद्मश्री या पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार जो खिलाड़ियों को मिले हैं, तो उषा शर्मा ने निश्चित तौर पर उन प्रस्तावों को गहनता से देखा है। तो कहा यह जा सकता है कि उषा शर्मा अगर राजस्थान की अब मुख्य सचिव बनी है कुशल सिंह के बाद, दूसरी महिला ऐसी मुख्य सचिव है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती तो यह है कि आने वाला जो राजस्थान का बजट है उसके अंदर किस तरह की योजनाएं होंगी, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाएगा, विभिन्न जो विभागों की योजनाएं चाहे वो एनवायरमेंट से जुड़ी हो, क्योंकि एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, और इन्होंने 7 दिन की ट्रेनिंग एनवायरमेंट के ऊपर भी ले रखी उषा शर्मा ने, जहां तक मेरे को ध्यान है। और देखिए मैं जब हमने देखा कि उषा शर्मा जब पर्यटन विभाग में हुआ करती थी, तो मेरा बड़ा नजदीकी से मैंने उनके काम को उनकी कार्यशैली को देखा है, अधिकारियों को सबको साथ लेना, इवन छोटे छोटे कर्मचारियों से पूछा जाता था कि आपके गांव गोड़े में भी इस तरह के क्या कोई पर्यटन के उत्पाद हैं जिनको सामने लाया जा सकता है, फिर उनको धरातल पर लाया जाता था, उनके लिए योजना बनती थी और उनको फिर बड़े स्तर पर उनको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए देखा जाता था। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो बजट है राज्य का, उसमें उषा शर्मा की आपको 100% झलक देखने को मिलेगी, इस तरह की योजनाएं सामने आ सकती हैं जिसमें उषा शर्मा की जो कार्यशैली है, उषा शर्मा के जो स्किल्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे किस तरह से सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता तक पहुंचे, उनकी मॉनिटरिंग किस लेवल पे हो और उनमें किस तरह से और नई चीजों को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि देखिए 2 साल बाद सरकार को भी जनता के बीच में जाना है, चुनाव लड़ना है, और 1.5 साल का वक्त जो है उषा शर्मा के पास, और ये बड़ा ही क्रूशल वक्त है। क्रूशल इस मायने में कि सरकार जब वापस से जनता के बीच जाती है वोट मांगने के लिए, तो जनता को बताना पड़ता है कि किस तरह की सुविधाएं जनता को दी गई हैं, किस तरह की योजना है। और अब जैसे मैं उषा शर्मा काम करेंगी मुख्य सचिव के तौर पर, किस तरह का उनका काम रहेगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये राज्य के लिए एक बड़ी खबर है जब मुख्य सचिव मिला है, नया मुख्य सचिव उषा शर्मा के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्मल हमसे जुड़ने के लिए।